लेकिन पहले बुलाता हूँ टीम टिकटॉकर्स, आइए हमारे नए चैंपियंस, बहुत सारी ताली होनी चाहिए। क्या हुआ अंकल, कैसे? वालेकुम सलाम। इस बार इस्लामाबाद नहीं गए फिर भी जीत गए, देखा? जरा माइक दो, जरा माइक दो जी। जैसी ये रहा, कैसे भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। जैसी जब इस्लामाबाद जाते हैं यहाँ से बेल्ट उड़ा ले जाते हैं, इस बार तो गए नहीं। हैंड्स प्रूव्ड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है मेहनत से और तुम लोगों की अपनी किस्मत से जिसने कल साथ दिया तुम लोगों का। अच्छा जी, बात करूंगा जो पहली बार चैंपियन बनी है, पता नहीं लग नहीं रही है चैंपियन में। नहीं भाई, बड़ी मेहनत की है दुआ ने और इस टीम का भी साथ था, लेकिन दुआ ने खुद भी बहुत मेहनत की है यहाँ चैंपियन बनने के लिए। वेरी थैंकफुल टू देम, क्योंकि जब पहला दिन सीजन आया था हम लोग सब साथ बैठे थे, तो दे गाइस वर जो जिन्होंने मुझे बोला था कि इस दफा हमारा प्रॉमिस है कि हम तुम्हें बेल्ट जितवा कर ही जाएंगे। अच्छा, उन्होंने प्रॉमिस किया था? हाँ। तुम लोग मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये? फिर मैं अकॉर्डिंगली खेलता। बड़ी बड़ी बातें है इंशाल्लाह जी। ये किसने कहा था पहले दिन कि मुझे किस टीम में डाल दिया है? मैंने तो नहीं बोला था ऐसा कुछ। कहा था तुमने ये? फिर मैंने ऐसा नहीं कहा था। एक्चुअली जब हम लोगों की टीम्स बन रही थी तब मेरी सबसे ज्यादा लीस्ट कोऑर्डिनेशन इन लोगों के साथ ही थी, तो आई वाज वरीड कि मैं कैसे जेलअप करूंगी। दैट वाज यही बात है, यही वजह है और यही बात है। यहाँ अक्सर ऐसा ही होता है, जिस टीम की कोऑर्डिनेशन शुरू में सबसे बुरी होती है, जिनकी केमिस्ट्री सबसे बुरी होती है, एंड में आके वो हमेशा ही चैंपियन बन जाती है। एक दफा और प्रूफ हो गया। जरनाब शानदार खेली हो तुम और तुमने भी संभाला है इन दोनों तीनों के साथ इस टीम को दो बार चैंपियन। मतलब के अगर 11 सीजन तक देखा जाए तो एक बार भी नहीं बनी, 12 और 13 एक साथ जीत गई। तुम क्या कहना चाहोगी? दानिश भाई यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा लगा हमें। पहले भी मतलब मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम लोग जीत जाएंगे, क्योंकि मैं हमेशा आके हार जाती थी, तो भी जीत गए, इस दफ़ा भी जीत गए। और सारी यही बात है, क्रेडिट जो है वो टीम को जाता है, क्योंकि लारेब ने, जैजी ने, इन लोगों ने बहुत मोटिवेट किया, स्पेशली हम दोनों को। नहीं, हम दोनों को दानिश भाई, क्योंकि लड़कियाँ कहीं ना कहीं पैनिक हो जाती है ना, तो लारेब ने और जैजी ने हम दोनों को बहुत संभाला, जिसकी वजह से हम जीते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन मुझे ना समाव ऐसा लगा कि ये सीजन तुम लोगों के लिए थोड़ा सा आसान था कंपैरेटिवली, अगर जिस तरह की टीम से तुम पहले मुकाबला करते आए हो, क्योंकि बड़ा अनसर्टेन था इस बार टीम्स के लिए। अक्सर ऐसा होता था कि सीजन के मिड के अंदर आके उनके प्लेयर्स चेंज हो रहे थे, सिर्फ यही एक टीम थी जो राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड ऐसे ही सेम रही है, तो इस बात का भी बेनिफिट तुम लोगों को जाएगा। हैविंग सेड दैट कि तुम लोग बुरा खेले हो या तुम लोग बहुत ही कमाल खेल गए हो, शायद तुम लोग दरमियाना खेले हो, लेकिन वो भी शायद इन लोगों के लिए इनफ था। लारेब मेरे ख्याल छठी बार चैंपियन बने हो यार, डिस्टॉर्शन खत्म करना। सर फिफ्थ या सिक्स्थ टाइम बना हम लोग, फिफ्थ या सिक्स्थ टाइम तुम चैंपियन बने हो, और कितनी बार फाइनल खेल चुके हो? सर जितने सीजन मैंने खेले सब में फाइनल खेला। वाह यार, एक बार ताली होनी चाहिए लारेब के लिए, जितने सीजन लारेब खेला है उन सब के फाइनल खेले लारेब ने। और अब खरबूजे ने खरबूजे को जो रंग पकड़ लिया है, अब जब से जैजी इसके साथ हुआ है, जैसी भी फाइनल का हिस्सा जरूर बनता है और इस बार चैंपियन बन गए। चलो खैर, अब तुम लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा, जरा अपना मुंह लेके इधर आ जाओ। ला भाई काशिफ, जो चीज इन्हें देनी है वो दो ना भाई। ये सीजन 13 की बेल्ट एक बार फिर से टीम टिकटॉकर्स ले उड़े हैं और ये फिर से चैंपियन बने हैं हमारे गेम शो के। ये बेल्ट में किसे तू बताइए, दुआ को दुआ संभाल लेगी ये बेल्ट, गिर न जाए लेके। लो भाई बहुत सारी ताली होनी चाहिए, बहुत सारी ताली होनी चाहिए। गेम शो ऐसे चलेगा, सीजन 13 के ये नए चैंपियन है। अब मुझे इनमें से पता नहीं है कौन कौन जो है वो नेक्स्ट सीजन में आएगा, क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं सर हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना है, हम थोड़ा रेस्ट पे जाएंगे, फिर उसके बाद वाले सीजन में आ जाएंगे। तो मुझे नहीं पता इनमें से कौन अवेलेबल होगा नेक्स्ट सीजन के, लेकिन एटलीस्ट अगर ये तुमने बेल्ट के बेनिफिट्स उठाने तो कम से कम एक टीम के दो प्लेयर्स को एक टीम में होना जरूर होगा, जरूरी होगा। अगर तुम में से तीन कोई बाहर चला जाता है, ये बेल्ट फिर से मैं ही रख लूंगा, मैं फिर से चैंपियन बन जाऊंगा। यार मैं तो रुगाल चल रहा हूँ यार, वो किंग्स ऑफ फाइटर की आखिरी बला जो होती है सब कुछ मेरे पास ही आ जाता है। खैर जनाब, जबरदस्त खेले हो और तुम लोगों के फ्यूचर वेंचर्स के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छा रह गया जी ये डिक्लेयर करना कि इस सीजन का रॉकी या इस सीजन की रॉकी कौन बनी है। लास्ट सीजन जरनाब बनी थी और इसने अपने 10 पॉइंट्स बड़े ही इंटेलिजेंटली यूज किए थे, और इस सीजन की रॉकी जैजी है। सीजन का रॉकी, बहुत सारी ताली होनी चाहिए भाई।
जैजी पहली बार हमारा रॉकी बना है भाई, और जैजी 58 गेम्स जीता है, पहले नंबर पे रहा है। सेकंड कौन था? सेकंड लारेम है, और 56 दो गेम्स पीछे थे तुम जैजी से। और थर्ड कौन है? थर्ड है जैन अस्मीर, उसने 51 गेम्स जीते हैं। तो 5 पॉइंट्स, 5 गेम्स का डिफरेंस था तुम में और जैन में, और 2 का डिफरेंस था तुम में और जैजी में। भाई हाथ के हाथ जैन अस्मीर हैं भाई, जैन अस्मीर को बुलाया जाए भाई, तीसरे नंबर पर आए, ताली होनी चाहिए जैन के लिए भाई। आए आए इसका क्या ताल्लुक, इस गाने से क्या ताल्लुक? ये तुम्हारे लिए इन्होंने ये गाना क्यों बजाया? क्या यही प्यार है? इसका क्या ताल्लुक प्यार से? हॉकी बजा रहे थे मगर। हॉकी? जी, रॉकी नहीं था। नहीं नहीं, रॉकी तो अच्छा, रॉकी के लिए। अरे क्या बात है, कितने दूर अंदेश हैं आप, कहाँ पहुंच जाते हैं, क्या बात है। हाँ भाई, सिर्फ 4 गेम्स या 5 गेम्स का डिफरेंस था, वरना तुम इस बार रॉकी बन जाते। लेकिन अगर तुम रॉकी बनते तो मैं रॉकी का नाम ही चेंज कर देता, कुछ और करता मैं, नहीं रॉकी नहीं करता, हॉकी तो नहीं करता, हॉकी तो हमारा कौमी खेल है, लेकिन कोई और नाम रखता। लेकिन जबरदस्त खेले हो तुम सब लोग और बाकी प्लेयर्स भी। अच्छा जी, अब आप लोग प्लीज जरा बैठ जाइए आके अपनी जगहों पर। एक मिनट में इंस्टा शो विद मी मथीरा, आखिरी खिलाड़ी कौन? That's the catch. Captain! किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।